नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 21 और 22 जून को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गोवा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही केरल, राजस्थान, बिहार, असम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी आज भारी बारिश होगी। देश के अधिकतर राज्यों में मॉनसून के चलते भारी बारिश जारी है। भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गोवा के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसके साथ ही केरल, राजस्थान, बिहार, असम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी आज भारी बारिश होगी। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा समेत कई जिलों में बारिश होगी। रविवार दोपहर को कानपुर समेत कई जगहों पर बारिश हुई है। वहीं कई जिलों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि लगातार हो रही बारिश से तराई और पूर्वांचल के 16 जिलों में बाढ़ का खतरा, एडवाइजरी जारी। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में समय बीतने के साथ बाढ़ का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। इन सभी जिलों से होकर बहने वाली नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुछ नदियां तो अभी से खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी है। चिंता वाली बात यह है कि हर पल के बीतने के साथ नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा और तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए इन सभी जिलों को एडवाइजरी भेज दी गई है और तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, तेवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, बलिया, बाराबंकी, सीतापुर और मऊ में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। महराजगंज और सिद्धार्थनगर में तो जलभराव भी शुरू हो गया है। गोरखपुर में रोहिणी नदी त्रिमोहानी घाट पर खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। गोरखपुर में तैनात गंडक बाढ़ मंडल के अधीक्षण अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, दिन रात निगरानी की जा रही है। दूसरी तरफ शारदा, घाघरा और राप्ती का जलस्तर भी खतरे के निशान के पास पहुँच गया है। चिंताजनक बात यह है कि सभी नदियों का जलस्तर हर सेकेंड के साथ बढ़ता जा रहा है। इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अगले कुछ घंटों में इन सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। आपको बता दें कि नेपाल और उत्तराखंड के साथ तराई और पूर्वी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान मारने लगी है। समय से पहले इस साल सूबे में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। मॉनसून के जल्दी आने की वजह से ये समस्याएं जल्दी खड़ी हुई है। वहीं बिजनौर में दिखा गंगा का रौद्र रूप। जलस्तर बढ़ने और भूकटाव से दर्जनों गाँव मुश्किल में। प्रशासन ने गाँव में अनाउंसमेंट कराकर ग्रामीणों को गंगा तट की ओर न जाने की हिदायत दी है। और मुरादाबाद में जून महीने में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड। कल भी हो सकती है बारिश, छाए रहेंगे बादल। वहीं कानपुर में मानसूनी सिस्टम हुआ मजबूत। यूपी में 26 जून से जोरदार बारिश की उम्मीद। जबकि गोरखपुर में औसत से 3 गुना अधिक वर्षा पानी। अभी 5 दिन लगातार रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। इसी के साथ अलीगढ़ में झमाझम बारिश ने बदल दी मौसम की रंगत। गर्मी से मिली लोगों को राहत। और मुरादाबाद जिले में आज भी हो सकती है बारिश, बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। जबकि वाराणसी में मानसूनी बादलों ने गिराया तापमान, बनी रहेगी बादलों की सक्रियता। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।